हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मशरूफ़ होंगे। तो जी, ये है सैटरडे का दिन और आज मैंने सुबह बहुत अपने बैंक के काम निपटाए, क्योंकि मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है और हर बार सैटरडे भी बैंक्स नहीं खुले होते हैं। सेकंड और फोर्थ सैटरडेज़ बैंक बंद होते हैं, लेकिन आज का जो ये सैटरडे था, ये थर्ड सैटरडे था, तो मैंने ज़रा भी डिले नहीं करा और अपने सारे बैंक के काम निपटाए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं, ये है नवी मुंबई का तुर्भे एरिया। और आप लोग गैस करिए कि हम लोग किधर आए हैं। मेरे टाइटल से, मेरे डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को पता पड़ ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आए हैं हम लोग आज, हमारा हम लोग किधर आउटिंग कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये है नवी मुंबई तुर्भे एरिया में बहुत ही बड़ा शोरूम आइकिया का, जो कि होम फर्निशिंग के लिए पॉपुलर है। और ये है उसका पार्किंग एरिया, जो कि बहुत ह्यूज, बहुत ही ग्रैंड पार्किंग एरिया है। और हम लोग देखिए आ चुके हैं, कार को पार्क कर दिया है और अब हम लोग निकल चुके हैं आइकिया शोरूम के लिए, जो कि इतना ग्रैंड है, इतना ग्रैंड है कि आप एक दिन में उसको घूम ही नहीं सकते हैं। आपको कम से कम आराम से आपको 2-3 दिन चाहिए घूमने के लिए, लेकिन और थक भी जाते हैं इतना घूम घूम के, इतना ह्यूज, इतना ग्रैंड है। तो बस हम लोग देखिए आ गए हैं और जा रहे हैं आइकिया की तरफ। ये देखिए लेफ़्ट में लिखा हुआ है आइकिया एंट्रेंस। ये हमारा थर्ड विज़िट है आइकिया में, इसके पहले मेरी मम्मी जी आई हुई थी, सास यानी, तो उनको भी दिखाने के लिए हम लोग आइकिया आए थे। और बीच में भी एक बार आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं मेरी, और अब ये मम्मी सेकंड टाइम आइकिया आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इतना लंबा लंबा चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, लेकिन मस्ट विज़िट है, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। पूरा घर का आपको बताएंगे कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं, सामान पूरा आपको लिविंग रूम सजा के वो लोग रखते हैं कि इस तरीके से आप अपना लिविंग रूम सजा सकते हैं, इस तरीके से डाइनिंग एरिया सजा सकते हैं, इस तरीके से किड्स का शेल्फ लगा सकते हैं, किड्स की स्टडी टेबल वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ होता है। सिर्फ सामान वो लोग रखते नहीं हैं, वो लोग पूरा अरेंजमेंट भी करके, वो लोग पूरा डिस्प्ले में रहता है रूम वाइज, किड्स का अलग, किचन का अलग। और ये हम लोगों को मिल गया था 99 का सेक्शन, तो यहाँ पे हर चीज़ 99 की थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि घर वैसे ही हम लोगों के घर में सामान बहुत है, टाइम रहता नहीं है कुछ भी मेंटेन करने का, सब इतने बिजी रहते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, जो घर में सामान है एटलीस्ट वो ही यूज़ कर लो, उसी से पहले उसी को कर लो। तो इसलिए मैंने कोई भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं किया, अपने को कंट्रोल किया, कुछ भी ख़रीदा नहीं, क्योंकि सामान ले लेके रख लो और वो यूज़ नहीं होता है, तो एटलीस्ट जो घर में सामान है पहले वो तो यूज़ हो जाए। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये जो विंडो शॉपिंग होती है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो स्ट्रीट में हो। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे लैम्प शेड्स हैं यहाँ पे, कितने बढ़िया बढ़िया हैंगिंग लाइट्स हैं, जो कि आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर हैंग कर सकते हैं, और ये ओपन भी होते हैं। देखिए अभी इसको ओपन करके दिखाएगी आपको, इस तरीके से जो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला देखिए अवनी ओपन कर दिया है, और इस तरीके से अगर दूसरा रस्सी खींचेंगे तो ये देखिए क्लोज़ भी हो गया। तो ये बहुत ही यूनिक लगा हम लोगों को, और इसका प्राइस कुछ 4-4.25 के आसपास था हज़ार, तो कॉस्टली है लेकिन बड़ा यूनिक सा था। तो यही सब हम लोग देखने आए थे, और सैटरडे का दिन था तो सोचा चलो आज यहीं चलते हैं घूमने, आउटिंग की आउटिंग हो जाती है और एक बस ट्रिप सा बन जाता है। और यहाँ पे बहुत कुछ था, यूटिलिटी बहुत अच्छे अच्छे सामान थे। देखिए किस तरीके से इन लोगों ने पूरा एक कमरे को डिस्प्ले करके बताते हैं कि आप अपने कमरे को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कहाँ टीवी यूनिट आ सकती है, कहाँ डाइनिंग आ सकता है, कहाँ शेल्फ लगा सकते हैं, किस तरीके से किड्स के रूम को आप डेकोर कर सकते हैं, ये देखिए। और किस और बहुत इस पे 3-4 माले का ये आइकिया का शोरूम है, पर हम लोगों ने सिर्फ एक या दो ही फ्लोर देखे, एक्सप्लोर किए, और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल टायर्ड हो गए थे हम लोग देख के। ये तो ऐसा है कि जो लोग अपना घर बनवा रहे हों या ख़रीदने वाले हों, वो लोग यहाँ पे विज़िट करें तो उनको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं, यहाँ से सामान भी वो लोग ले सकते हैं। यहाँ पे सस्ते से सस्ता सामान भी है और कॉस्टलीस्ट टू कॉस्टलीस्ट भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉस्टली है।
और ये देखिए किस तरीके से स्टूल्स वगैरह रखे हैं, कैसे हम लोग लैम्प शेड लगा सकते हैं कहाँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बैठ भी सकते हैं, थक गए हैं तो आप बैठ भी सकते हैं, कोई मना ही नहीं है कि आप इस सोफ़े पे या इस बेड पे बैठ नहीं सकते, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने मतलब क्राउड बहुत था। बस यही है कि टायर्डनेस आ जाती है और टाइम लेकर आना पड़ता है इस ऐसी जगह पे, अगर आप घूम रहे हैं तो टाइम लेकर आइए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने अरेंज कर रखा है, पूरा आइडिया देते हैं जिसको ज़रा भी आइडिया नहीं है कैसे मतलब डेकोर करना है, किस तरीके से इंटीरियर करना है, क्या क्या आजकल नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो यहाँ से आके आइडिया ले सकते हैं, फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मना कि आप नहीं कर सकते। ये देखिए कितने सुंदर से शीशे अरेंज कर रखे हैं, ये भी मतलब हर चीज़ का वो लोग आपको आइडिया, हर चीज़ का ट्रेंडिंग आपको बताएंगे आजकल क्या क्या चल रहा है। तो यही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग यहाँ पे आते हैं। पिछली बार मैं आई थी तो मैंने यहाँ से फ़्लावर ख़रीदे थे, आर्टिफिशियल फ़्लावर, और फ़्लावर वेज भी लिया था यहाँ से, और मैंने स्पून होल्डर लिया था, स्पून और नाइफ़ होल्डर। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने लिया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस वही है कि बार बार बस लेते रहो, और घर में सामान जगह नहीं है, रेंट का घर है एक तो हमारा, और वो ऊपर से भरता ही जा रहा है, तो इसलिए ख़ुद को कंट्रोल किया और कुछ भी नहीं लिया। ये देखिए किस तरीके से बुक शेल्फ हैं, किस तरीके से लैम्प शेड है, ये सब आइडियाज़ मिलते हैं, और ये सारा मतलब सेलेबल आइटम्स हैं, सब खरीद सकते हैं, और वो लोग घर पे डिलीवरी भी करते हैं, सब कुछ हो सकता है। और आप मेरा देखिए बालों में कितना मैंने तेल लगा रखा है, तो छुट्टी के दिन है, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी थी तो मैंने कहा तेल लगाना ही है, तो मैं ज़रा भी देखती नहीं कि हम लोगों को कहीं जाना है और मेरे बालों में तेल लगाए, मैं तो निकल पड़ती हूँ, क्योंकि क्या करें मानसून सीज़न है, बाल झड़ रहे हैं काफ़ी, तो इस तरीके से कितना चंपी किया हुआ है मैंने अपने बालों को। तो बस यही है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक एक चीज़ किस तरीके से उन्होंने डिस्प्ले करके रखी है, इवन कटलरी भी डिस्प्ले करके रखी है डाइनिंग टेबल में, कैसा दिखेगा, कैसा लुक आएगा। और ये जो सोफ़े पे मैं बैठी हूँ, ये सोफ़ा भी सेलेबल है, मतलब आप लोग ख़रीद सकते हैं हर चीज़। ये देखिए मिरर, सबके आइटम्स के जो प्राइस हैं वो भी साथ में उन्होंने चिपका रखे हैं, हर चीज़ बता रखी है, किस तरीके से बालकनी को हम डेकोर कर सकते हैं, कैसे आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं। और ये देखिए ये किचन का इंटीरियर बताया है, कहाँ फ्रिज आ सकता है, किस तरीके कैसे आप अरेंज कर सकते हैं अपना किचन को। तो यहाँ पे लोग आते हैं आइडियाज़ लेने भी आते हैं, ऑर्डर देने भी आते हैं, सामान ख़रीदने भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आइडियाज़ भी आप आके यहाँ से ले सकते हैं। तो मुंबई में ये खुला हुआ है आइकिया तुर्भे एरिया में, तो बहुत ही अच्छा है। जो भी नहीं आए हैं इस तरफ, एक बार ज़रूर आइकिया शोरूम आएँ और विज़िट करें और आइडियाज़ लें नए। तो बस यही है, अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, काफ़ी टायर्ड हो गए थे यहाँ घूमते घूमते। जो लोग आइकिया नहीं गए हैं अभी तक, वो एक बार ज़रूर विज़िट करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पे हैं अवेलेबल।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आइटम्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ घर की ही है, हर चीज़ घर की ही है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है, गिफ्ट आइटम्स भी हैं, डेकोर आइटम्स भी हैं बच्चों के। देखिए टिफ़िन बॉक्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, ऑरेंज कलर के जो थे, लैम्प शेड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब बहुत हर चीज़ है आइकिया में। तो ये हम लोगों का थर्ड विज़िट है और हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, और मैंने आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर किया है आइकिया शोरूम का, पूरा आप लोगों को भी घुमा दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये आ गया है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे देखिए सब लोग लंच कर रहे हैं, इस वक्त दिन का वक्त है, तो ये पूरा डाइनिंग एरिया है, इतना बड़ा डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम है, यहाँ पे आपको लाइन में खड़े होके ट्रॉली लेनी पड़ती है और वहाँ पे आइटम्स, फूड आइटम्स पूरे दिखते हैं आपको, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है, मतलब अलग तरीका है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने लास्ट टाइम यहीं पर अपना लंच किया था, लेकिन इस बार यहाँ पर हम लोगों को बहुत भीड़ लगी, तो फिर डिसाइड किया कि नहीं यहाँ लंच नहीं करेंगे, बहुत भीड़ है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और चार सवा चार का वक्त हो गया था, तो फिर यही सोचा कि यहाँ लंच नहीं करते हैं, बाहर निकलते हैं, घूम तो लिया ही है, बाहर निकलते हैं और फिर बाहर कहीं पर भी हम लोग लंच कर लेंगे। तो अभी हम लोग बस धीरे धीरे देखिए बाहर निकल रहे हैं और एक एक करके मन नहीं भरता और एक एक करके चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ है क्या है, वही सब देख रहे हैं और एक दूसरे से बोल भी रहे हैं, ये इसके काम आ जाएगा, ये इसके काम आ जाएगा। पिलो कवर बहुत अच्छे अच्छे थे, पिलोज़ बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी की थी, हर शेप की पिलोज़ थी, क्रॉकरी थी, बहुत कुछ था यहाँ पर, यूटिलिटी का सामान बहुत था जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो बहुत कुछ था यहाँ पर। और ख़रीदने के लिए तो काफ़ी कुछ था लेकिन मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, और रीज़नेबल है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कॉस्टली ही है। ये देखिए ये शैम्पू के लिए या हैंड वॉश के लिए बॉटल मैं देख रही हूँ, ये कुछ 69 का प्राइस था इसका, तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, रीज़नेबल भी थी। तो वही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और अब ये हो रहा है कि अभी लंच का टाइम हो रहा है, भूख सी लग रही है, तो कब चलेंगे कब निकलेंगे, क्योंकि यहाँ तो घूमते रह जाओ तो रात हो जाएगी। और ये जो फ्लावर वेज आप मेरे हाथ में देख रहे थे अभी गोल्डन कलर का, ये लास्ट टाइम मैंने अपने घर के लिए लिया हुआ है जो कि सिल्वर कलर का था, मगर ये गोल्डन कलर का इस बार आया था, लास्ट टाइम गोल्डन नहीं था सिल्वर था। और ये हम लोग आ गए हैं पार्किंग एरिया की तरफ, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे, ऐसे तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बहुत फ्लोर्स हैं, तो वो बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं देखा इस बार, लास्ट टाइम सब देख लिया था, तो अभी टायर्ड हो गए थे तो सोचा चलो अब चलते हैं लंच करेंगे बाहर कहीं पर। यहाँ पर लंच में बहुत भीड़ थी, जो डाइनिंग एरिया थे बहुत क्राउड था, कब नंबर आता, कब हम लोग खाना खाने बैठते, लेट हो जाता काफ़ी, तो बस यही सोच के हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए हैं और अब हम लोग कार पार्क जहाँ करी है वहाँ पे जा रहे हैं और बस अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। और आप देख सकते हैं मौसम का नज़ारा, बहुत बारिश हुई थी, बहुत ही बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो गया था, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए आइकिया का शोरूम का, बाहर से हम लोग बाहर आ गए हैं, तो यहाँ तो ये है कि टाइम लेकर आइए तभी कुछ हो सकता है, बिना टाइम के आप लोग आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम लेके आना है। और एटलीस्ट वो लोग आएँ जो अपना घर बनवा रहे हैं, जो अपना घर खरीद रहे हैं, उनको बहुत यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे बहुत। हम लोग तो यहाँ अपने ऐसे ही ट्रिप के लिए आ गए थे, छुट्टी का दिन था, मैंने बैंक का काम किया, उसके बाद सोचा चलो अब घर क्या जाना, चलो आइकिया ही निकल पड़ते हैं, तो हम लोग तो इस तरीके से आ गए थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग आएँ जो अपना घर खरीदने वाले हैं या ख़रीद रहे हैं या कुछ उनको उनका कुछ डेकोर ख़रीदना है, बहुत कुछ आइटम्स ख़रीदने हैं, तो आइकिया में वो आ सकते हैं। और ये है वाशी का एरिया, वाशी का एरिया है और हम लोग आ गए हैं लंच के लिए, अब वही सोच रहे हैं 4:15 का वक्त है, कौन सा रेस्टोरेंट खुला रहेगा, लेकिन वाशी में ये अच्छी बात है कि रेस्टोरेंट खुले ही रहते हैं और लंच भी हमेशा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 4:30 बज गया तो लंच का टाइम ख़त्म हो गया। और ये हम लोग आ गए हैं ट्रीट पॉइंट में, फैमिली रेस्टोरेंट है वाशी में, वाशी रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो सामने ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, उसमें से एक ये है ट्रीट पॉइंट। और यहाँ का खाना हम लोगों ने फर्स्ट टाइम खाया,
और मैं आपसे एक बात ज़रूर बोल सकती हूँ, खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ का खाना, बहुत ही टेस्टी था। फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं, रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रैंड और ह्यूज है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर आ गए हम लोग, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रीट पॉइंट वाशी नवी मुंबई रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स वाशी का। तो यहाँ पर बस हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ लंच करेंगे। तो ये हम लोगों ने मंगाया है मसाला पापड़, तो हम लोग चार लोग हैं तो चार मसाला पापड़ आ गए हैं। अवनी कम खाती है, उसको इतना पसंद नहीं है मसाला पापड़, लेकिन हम लोग खाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा तो फेवरेट है स्टार्टर। तो आपने देखा होगा अब तक हम लोगों ने, मतलब मसाला पापड़ हम लोग हमेशा ही मंगाते हैं। और मनचाओ सूप वेज मैंने और मम्मी ने 1/2 मंगाया है, और इन लोगों ने अपना कुछ लंग फंग मंगाया था, उसमें झाग था सूप में, तो वो शायद लंग फंग सूप था। तो बस यही है, मैं देखिए शूटिंग भी करती जाती हूँ और आप लोगों से सब अपना रूटीन जो है मेरा वो शेयर करती जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैटरडे संडे सिर्फ आपको अपना खाना बनाना ही दिखाती रहती हूँ, झाड़ू पोछा ही दिखाती रहती हूँ। मैं जो करती हूँ, जो रियल मेरे साथ होता है, मैं वो ही दिखाती हूँ। और बाकी के जो दिन हैं मेरे मंडे से फ्राइडे, उसमें मैं ऑफ़िस में ही 12 घंटे मेरे ऑफ़िस में ही निकल जाते हैं, तो उसमें मैं आपको क्या दिखाऊँगी। सुबह 3:30 उठ के 5 बजे शाम को आने के बाद कुछ बचता नहीं है दिखाने के लिए। तो जो है वीकेंड्स के रूटीन मैं वही आपसे शेयर करती हूँ, कहीं गए या मैंने जो बनाया वो सब मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। कुछ भी इसमें कुछ भी शो ऑफ नहीं है, सब कुछ रियल है। और ये इन लोगों ने मंगाया है लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, और हम लोगों ने मंगाया था मैंने और मम्मी ने 1/2 मनचाओ सूप और मसाला पापड़। और ये हम लोगों ने डायरेक्ट खाना मंगाया है, ये है मशरूम मटर की मिक्स सब्जी, और हमारी आई थी नान आई थी, देखिए बटर नान आई हुई है। तो नान तो इन लोगों ने भी मंगाई थी, और इन लोगों ने कुछ अपना मटन या चिकन कुछ तो मंगाया था, स्टार्टर में इन लोगों का लॉलीपॉप था। तो मेरे हस्बैंड को भी खाने पीने का काफ़ी शौक़ है, वो बाहर का खाना बहुत एंजॉय करते हैं, वो घर का खाना भी एंजॉय करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिन उनको रहता है कि चलो बाहर खाएंगे। तो ठीक है, हम लोग भी एंजॉय करते हैं छुट्टी के दिन खाना बाहर। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए, मैं और मम्मी, क्योंकि बज रहा था कुछ 6:30 बजे। तो मैंने और मम्मी ने बोला चलो मम्मी चाय पी के चलते हैं, सीधे घर जाएंगे तो लेट हो जाएगा, कब चाय पियेंगे, तो यहाँ से चाय पी के चलते हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे। इन्होंने और अवनी ने चाय नहीं पी, मैंने और मम्मी ने अपनी चाय एंजॉय करी, शाम की चाय। तो बस वही, अभी मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अब हम लोग सीधा घर जाएंगे। पूरे दिन के निकले हुए हैं, सुबह बैंक का काम किया, उसके बाद आईकिया गए, सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ, फिर हमने ट्रीट पॉइंट में लंच किया, और अब मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करिएगा, और साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।